सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैंडम स्टूडियोज़। और इस वाली वीडियो के अंदर हम प्योरली ड्रोन का दिमाग ख़राब करने वाले हैं। पीछे की वीडियो पर ध्यान मत दो और सीधा मेरी बातों को ध्यान से सुनो। देखो यार, ड्रोन का कंटेंट हमें पता ही है कैसा सा है। वो एक फालतू से कॉपीड सिंगर की वीडियो डालता है, उसके स्टेटस बनाता है। आजकल तो बेचारा एक्यूनेटर पर 3-4 वीडियो चला लेता है, नहीं तो हमें देख के लेजेंडरी जाने की कोशिश है उसकी। और हमारा टूर्नामेंट देखने के बाद उसने भी टूर्नामेंट की कोशिश करी, मैं मानता हूँ उसने कोशिश करी, लेकिन हो नहीं पाया। अभी थोड़े दिन पहले इसने एक और स्टेटस डाला है, मैंने आवाज़ यहाँ बंद कर रखी है ताकि कोई कॉपीराइट का पंगा ना, क्योंकि इस बच्चे के ऊपर तो बहुत पड़ चुकी है और इसको अभी भी नहीं पता। तो जो पीछे वीडियो चल रही थी यार, वो कॉपीड है, लेकिन मैं उसको तुम्हें यार दिखा देता, लेकिन मैं वीडियो जब बना रहा था यार, ओरिजिनल अपलोडर ने वो हटा दी। तो अभी प्रूफ मांगेगा तो भाई कह तो रहा हूँ तेरे, यहीं एक्सपोज हो जाता तू अगर वो ना हटाता। तो समझ जाओ यार बस। इसके बाद यार ड्रोन में भाई, मेरे को कल रात को इसने अनब्लॉक करा जानबूझ के कि अपनी DP दिखाई जिस पे इसने दूसरों के लेजेंडरी का स्क्रीनशॉट ले रखा है, जबकि अभी तो पहुंचा नहीं है। और फिर हमें कह रहा है कि लेजेंडरी पहुंचना तो भाई 5 दिन का काम है, कार्तिक के 5 दिन में पहुंच गया था, कोई भी पहुंच जाएगा। तो मैंने कहा वो तो हमें भी पता है, कोई भी पहुंच जाएगा। फिर ऊपर से खुद ही कह रहा है कि कोई भी पहुंच जाएगा और कार्तिक के 5 दिन में पहुंच गया था। भाई मतलब तुम पहले ये कह रहे हो कि भाई मैंने 2 मिनट में गैस छोड़ी, गैस तो कोई भी छोड़ सकता है, और कार्तिक ने 5 दिन के अंदर छोड़ दिया और अब वो छोड़ चुका है कॉल ऑफ ड्यूटी। नहीं हम तो पागल बैठे हैं। अगर यार देखो, मेरे को पता है इस बंदे में कॉल ऑफ ड्यूटी के स्किल्स ख़त्म हो चुके हैं, और मैं इसे मैच के लिए इसलिए प्रवोक कर रहा हूँ ताकि भाई ये आए दिखाए अपना दम जिसके अंदर नहीं है अब, क्योंकि लास्ट टाइम हम मेरे से हारा है। वो वीडियो में अभी तक नहीं डाल रहा, लेकिन ये लास्ट टाइम हार गया था और उसके बाद बेचारा चिढ़ कर उसने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि यार ये तो ड्रोन के लिए 22x ही हार गया। भाई जो बंदा इतना नूब हो चुका हो उससे भाई कौन ही लड़ेगा। कार्तिक के पीछे जाके छुप जाता है चुन्नी पहन के, तो पता है छुप जाता है कार्तिक के पीछे किल हाउस में, और बाहर तो निकलता नहीं। न्यूक टाउन हो तो इसकी स्क्वाड लड़ती है, ये घर में बैठ जाता है कैंप करता हुआ, और हमें कैंपर कहता है फिर ये। नहीं भाई ये बंदा अलग गया कसम से, मैं कह तो रहा हूँ भाई इस बंदे में अगर 2% की भी अभी शर्म रहेगी इतना कुछ कॉपी एक्सपोज कर रहे हैं। कॉपी हमें ही करना है, वीडियो भी दूसरों की कॉपी डालनी है, कंटेंट नाम की चीज़ बची नहीं है, पंगे फालतू के तब भी लेने हैं। आजकल तो अपनी वीडियो में इंट्रो में मेरा नाम का डालता है। तो यार इसकी ये बातें छोड़ो, चलो छोटा है बेचारे बच्चे को छोड़ देते हैं इस बात पे तो हम तो। और सत्यम, चलो ड्रोन अभी हमारे चैनल पे थोड़े दिन पहले ही नीचे अपने आप ही बातें चल रही है। तो ये देखो, मैं अपनी कमेंट्स कई हफ्ते बाद रिप्लाई करता हूँ। मैंने देखा अनंत को बताया कि ये 3 हफ्ते पहले ड्रोन और सत्यम कमेंट्स में बातें करके गए और हमें बोल गए। सही है, इनका हमारा इग्नोर लेवल तो उनसे बहुत हाई है भाई उस हिसाब से। तो अब यार देखो, इसलिए गाइस जब हम ड्रोन को चैलेंज करने वाले हैं कि वो आए न्यूक टाउन के अंदर, मैच होगा न्यूक टाउन के अंदर, अगर उसमें थोड़ा सा भी दम हो या उसकी फटे ना कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आना है तो भाई आ जा शांति से, आज ही कर लेंगे हम तो मैच 6 बजे। नहीं तो देखो ड्रोन को भाई टाइम चाहिए होगा यार, वो नहीं संभाल पाएगा, हैंडल नहीं कर सकता हूँ मेरे को। तो ड्रोन हम तेरे को 2 दिन दे देंगे, तो कमेंट में बता दें, हमने अनहाइड भी नहीं कर रखा तेरे को, ना ही व्हाट्सएप पर ब्लॉक करा हुआ है, तो तू चिल कर, तू टेंशन मत ले, हम बहुत आराम से तेरे को मारेंगे। तो इतना टेंशन क्यों लेता है यार, तेरे पास कार्तिक है तो सही, उसके पीछे छुप जाइयो। सही बात नहीं कर रहा मैं, इसका तो वही काम है ना, कार्तिक के पीछे छुप जाना। और अब मैं आप सब के आगे यही कह रहा हूँ, अगर ये बंदा नहीं आया तो भाई तुम समझ जाओ भाई कैसा ही बंदा। और ड्रोन देख ले, मेरे सब्सक्राइबर भी फेक नहीं है, तेरे जैसे वो है प्रिया संधवानी, राजेश मल्होत्रा, उसके अलावा द कॉस्मिक वायोगा, रियाज अली, तेरा खुद का ही ड्रोन संधवानी टैंकस्टर, ऐसे मेरे दोस्त आगे नीचे इतने कमेंट नहीं करते, तो इतना उनको मैं कहता तो नहीं हूँ, अगर करते भी होंगे तो ठीक है। तो मेरे सब्सक्राइबर भी फेक नहीं है, मेरे स्किल्स भी फेक नहीं है, मेरे वीडियो भी फेक नहीं है, और मैं गॉड भी फेक नहीं हूँ, इसलिए आ जाइए ठीक है। टाइम नीचे बोल दियो बेचारे, और मेरे को ना अब इस पर ना गुस्सा आने लग गया। तो हम ना अगर आज दोनों ने मैच हारा तो उसके बाद हम इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे,